जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोसेज यूट्यूब चैनल पर। मैं नेहा राजपूत हर बार की तरह लेकर आई हूं आपके लिए बहुत ही खास जानकारी। दोस्तों साल 2020 और 21 से हमने खास ज्यादा उसको प्रोडक्टिव हम नहीं बना पाए, कोरोना की वजह से सारी चीजें बंद रही, लोग अपने जीवन में, अपने आर्थिक जीवन में, अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहे। हर चीजें हमें बहुत ही, हमारी जो भी प्लानिंग्स थी वो सारी खराब हो गई। अब सारा दारोमदार आ गया है 2022 पर। 2022 को लोग बहुत अच्छी तरीके से प्लान कर रहे हैं, जिन जिन चीजों को वो नेग्लेक्ट करके चलते थे, जैसे कि हेल्थ पर उतना ध्यान लोग नहीं देते थे, तो वो सारी चीजें, सारी प्लानिंग सब बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं। और इन प्लानिंग्स में आपको हेल्प करेगा गोचर भी। जी हाँ, ग्रह जब भी अपनी राशि बदलते हैं, जब भी अपने स्थान परिवर्तन करते हैं, तो भी हमारे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि साल 2022 में बृहस्पति गोचर होने वाला है। जी हाँ, कब कब होगा ये बृहस्पति का गोचर, क्या प्रभाव डालेगा पूरे साल भर, ये जो जब भी गोचर होगा तो इसका पूरे साल में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सभी 12 राशि के जातकों के बारे में मैं बताऊंगी। कुछ उपाय भी मैं आपको दे दूंगी, आसान से उपाय। बृहस्पति यानी गुरु के गोचर करने से सभी 12 राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ये बताएंगे। शिक्षा के ग्रह जो बृहस्पति हैं, ये दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे ये भी हम आपको बताएंगे। बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और यह जातकों के जीवन में गहरा और लंबा प्रभाव डालता है। अंतरिक्ष देखने पर यह सुनहरे रंग का चमकदार जो है ग्रह प्रतीत होता है। इसका यह चमकदार रंग जो है शुभता और जो है आशावाद को दर्शाता है। सौरमंडल में यह सूर्य से पांचवा ग्रह होता है और इसका आयतन व द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है। वैदिक ज्योतिष में शिक्षा के इस ग्रह को बृहस्पति के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सभी देवता इस ग्रह को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं और उनके उपदेशों का पालन करते हैं। इस ग्रह के बारे में यह भी कहा जाता है कि गुरु होने के नाते यह सभी को सही दिशा दिखाता है और साथ ही यह सत्य और अधिकारों का समर्थन करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखें तो बृहस्पति को एक सच्चे ब्राह्मण का दर्जा प्राप्त है, जो कि देवताओं के बीच ईमानदारी, भक्ति और विश्वास स्थापित करने के लिए ऋषि मुनियों के वंश का अनुसरण करता है। इसीलिए इस ग्रह को पवित्र वाणी और शक्ति का देवता भी कहा जाता है। जातकों का व्यवहार उनके गुरुओं के प्रति कैसा है, यह भी उनकी कुंडली में बृहस्पति के स्थान पर निर्भर करता है। बृहस्पति किसी स्त्री की कुंडली में उसके पति का कारक भी होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति एक लाभकारी ग्रह है। बृहस्पति शिक्षा, विवाह, संतान, भाग्य, धन, आध्यात्मिकता और भक्ति आदि का कारक होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति की कृपा बरसती है तो ऐसे जातक काफी धार्मिक हो जाते हैं और उनके अंदर सात्विक गुणों का विकास होता है। जिन जातकों का बृहस्पति मजबूत होता है, वे लोग समाज में काफी सम्मान, प्रतिष्ठा और उच्च पद प्राप्त करते हैं। ये किसी भी जातक के जीवन में उसके संबंध बड़े बुजुर्गों के साथ कैसे हैं यह भी तय करता है, क्योंकि बृहस्पति समाज के बुजुर्गों और सम्मानित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है। किसी भी जातक की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति और उसका स्थान उसके शिक्षकों के साथ संबंधों का कारक माना जाता है। बृहस्पति किसी भी राशि से गोचर करने में एक साल का समय लेता है, जिसकी वजह से इसका गोचर काफी प्रभावशाली होता है। सभी 9 ग्रहों के बीच बृहस्पति को किसी भी जातक के जीवन में होने वाले मांगलिक कार्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति की कृपा के बिना जातकों को कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। सभी 12 राशियों के बीच बृहस्पति का अग्नि तत्व की राशि धनु और जल तत्व की राशि मीन पर आधिपत्य है। इसके अलावा बृहस्पति चंद्रमा शासित जल तत्व की राशि कर्क में उच्च का होता है, जबकि शनि द्वारा शासित मेहनती राशि मकर में यह नीच का हो जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर बात करें तो बृहस्पति को किसी भी जातक के जीवन में शुभता प्रदान करने वाला ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में उत्साह और उमंग का संचार करता है। बृहस्पति साल 2022 में 12 अप्रैल को शाम 4:58 पर शनि शासित राशि मकर से अपनी स्वराशि मीन में गोचर करेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी 12 राशि के जातकों पर। शुरुआत से अंत तक हम बताएंगे, उपाय भी आपको देंगे, ताकि जो कुछ समस्याएं आने वाली हैं वो दूर हो जाएं। और ये जो राशिफल बताएंगे आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन बेस्ड है। लेकिन उससे पहले एक और खास बात, अगर आपके जीवन में किसी और ग्रह की वजह से, बृहस्पति की वजह से, किसी भी ग्रह की वजह से या किसी और दोष की वजह से परेशानियां हैं, आप अपने जीवन के इस परेशानी का समाधान चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा एस्ट्रोसेज वार्ता का लिंक, बस आपको वहां क्लिक करना है। आप चाहे किसी भी भाषा में क्यों ना बात करना चाहे कर सकते हैं, किसी भी समय आप कॉल कर सकते हैं, किसी भी पद्धति में जानकारी चाहिए उस पद्धति में आपको जानकारी मिलेगी। हर भाषा, हर पद्धति के जानकार ज्योतिषी हमारे पैनल पर मौजूद है। करना बस आपको इतना है कि उस लिंक पर जाकर क्लिक करना है।
और इसके अलावा अगर कोई जेनरिक सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, उस वीडियो में मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। बाकी फिलहाल जानते हैं कि बृहस्पति का जो ये गोचर साल 2022 में होने वाला है, इसका सबसे पहले मेष राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साल 2022 की शुरुआत में बृहस्पति मेष राशि के जातकों के 11वें भाव में स्थित रहेगा। यह अवधि मेष राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो किसी एमएनसी में यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं या फिर विदेशी ग्राहकों के साथ व्यवसाय में संलग्न है। इस अवधि में मेष राशि के जातक आमदनी या आय से जुड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। यह अवधि किसी भी बड़े निवेश के लिए प्रतिकूल रहने की आशंका है। इस दौरान मेष राशि के जातक अत्यधिक व्यस्तता और संवाद की कमी की वजह से अपने दोस्तों और भाई बहनों से दूर हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में बृहस्पति अपनी स्वराशि और मेष राशि के 12वें भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप कुछ आरामदायक और सुकून से भरी यात्रा कर सकते हैं। इस अवधि में आप कुछ धार्मिक स्थलों की भी यात्रा कर सकते हैं। आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव रह सकता है और साथ ही आप इस दौरान किसी धार्मिक आयोजन में हिस्सा भी ले सकते हैं। साथ ही आप इस अवधि में दान पुण्य से जुड़े कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं और समाज की भलाई के लिए दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस अवधि में गैर जरूरी चीजों पर धन खर्च कर सकते हैं। साथ ही स्वास्थ्य समस्याओं के ऊपर भी आपको कुछ धन खर्च करना पड़ सकता है। आपको इस दौरान पैतृक संपत्ति से किसी प्रकार का लाभ होने की संभावना है। मेष राशि के वे जातक जो किसी दूसरे राज्य या फिर देश में प्रवास करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इस अवधि में एक कोशिश जरूर करनी चाहिए क्योंकि उनकी इस इच्छा का इस अवधि में पूर्ण होने की प्रबल संभावना है। उपाय बता देती हूं, तो गुरुवार के दिन गरीब बच्चों को केले का दान कीजिए। अब बारी वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति उनके 10वें भाव से गोचर करेगा। इस अवधि में वृषभ राशि के जातक अपने पेशे में कुछ बदलाव कर सकते हैं या फिर अपने करियर को पूरी तरह से बदलने की योजना बना सकते हैं। जो जातक अपना खुद का व्यवसाय चला रहे हैं, वे अपने व्यवसाय को और बेहतर बनाने के लिए विभिन्न संसाधनों पर विचार कर सकते हैं, जिसके लिए आपको स्थानांतरण या किसी अन्य जगह पर प्रवास भी करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग विज्ञान और गूढ़ रहस्यों पर शोध कर रहे हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। उनके ग्राहकों में बढ़ोतरी हो सकती है और आप बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में भी सक्षम हो सकते हैं, जो कि आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसके बाद अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके 11वें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि सट्टा बाजार से जुड़े जातकों के लिए लाभप्रद साबित हो सकती है। इस दौरान आप किसी बड़ी राशि को प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आप किसी छिपे हुए स्रोत से भी धन कमा सकते हैं, लेकिन आपको यह सलाह दूंगी कि छिपे स्रोत से आमदनी करने से बचिएगा, क्योंकि इसकी वजह से आपको भविष्य में किसी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा इस दौरान आप कुछ नए दोस्त भी बना सकते हैं। साथ ही आपको यह सलाह दूंगी कि अपने नए दोस्तों से थोड़ा सावधान रहिएगा, वे आपका फायदा उठा सकते हैं। इस अवधि में आपको अपने बड़े भाई बहनों से संबंधों में सुधार हो सकता है और आप उनसे व्यक्तिगत रूप से आर्थिक मामलों में मदद भी पा सकते हैं। छात्रों के लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। इस दौरान वे अपनी पढ़ाई ध्यान पूर्वक और अधिक केंद्रित होकर कर सकते हैं। उपाय के तौर पर मंदिर में बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पीली दाल का दान कीजिएगा। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। साल 2022 की शुरुआत में बृहस्पति आपके 9वें भाव यानी भाग्य के भाव से गोचर करेगा। यह समय उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकता है जो अपने लिए उपयुक्त जीवन साथी की तलाश में हैं। संभावना है कि इस वर्ष आपको आपका जीवन साथी आपके परिवार की मदद से मिलेगा। इस दौरान आपका अध्यात्म की तरफ झुकाव रह सकता है और साथ ही आप एक उपयुक्त गुरु की तलाश कर सकते हैं जो आध्यात्मिकता की तरफ आपका मार्गदर्शन करे। इस अवधि में आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं या फिर किसी धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि और आपके 10वें भाव यानी कर्म भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप अपने पेशेवर जीवन में तरक्की कर सकते हैं। मिथुन राशि के वो जातक जो कानून, चिकित्सा और खाद्य से जुड़े कारोबार में शामिल हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल रह सकती है। इस दौरान आप अपने कर्म क्षेत्र में अपना प्रभाव छोड़ने में सफल रह सकते हैं। मिथुन राशि के जातक इस दौरान समाज के कुछ सम्माननीय और प्रभावशाली लोगों से नए संबंध स्थापित कर सकते हैं जो उनके लिए करियर के दृष्टिकोण से लाभकारी साबित हो सकते हैं। वे जातक जो कोई नया व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी यह समय अनुकूल रह सकता है क्योंकि इस दौरान उन्हें इस कार्य में आसानी से सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। मिथुन राशि के वो जातक जो नौकरी पेशा है, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहने की संभावना है क्योंकि इस दौरान वे अपने कार्यस्थल पर किसी प्रकार का सम्मान पा सकते हैं। जो लोग फ्रेशर हैं, उन्हें इस दौरान साझेदारी में काम करने का मौका मिल सकता है जो उन्हें सकारात्मक परिणाम दे सकता है। इस अवधि में व्यवसाय के विस्तार में निवेश करना मिथुन राशि के जातकों के लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। उपाय के तौर पर अपने काम करने वाले हाथ की तर्जनी उंगली में पीले रंग का
करेलियन धारण करें या फिर आप बृहस्पति के बीज मंत्र का रेगुलरली जाप किया करें। अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। वर्ष 2022 की शुरुआत में बृहस्पति कर्क राशि के जातकों के आठवें भाव में स्थित रहेगा। इस अवधि में जातकों के पेशेवर जीवन में अनिश्चितताओं की वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपके कार्यस्थल पर आपके खिलाफ किसी प्रकार की राजनीति या साजिश रची जा सकती है। इसके अलावा कर्क राशि के वो जातक जो शेयर बाजार से जुड़े हैं उन्हें आर्थिक होने की आशंका है। स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि डायबिटीज, मोटापा, लीवर से जुड़ी दिक्कतें भी इस अवधि में आपको परेशान कर सकती हैं। आपको सलाह दूंगी कि इस दौरान अपने खान पान और जीवन शैली को लेकर सजग रहिएगा। अतीत में लिया गया कोई उधार या कर्ज लौटाने में भी आपको इस दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद बृहस्पति अपनी स्वराशि और आपके नवे भाव में गोचर करेगा। यह अवधि कर्क राशि के उन जातकों के लिए अनुकूल रह सकती है जो रियल स्टेट या फिर संपत्ति के क्रय विक्रय से जुड़े पेशे में है। इस दौरान आप कुछ फायदेमंद सौदे करने में सफल रह सकते हैं। कर्क राशि के वे जातक जो घर खरीदने या घर की मरम्मत करवाने की योजना बना रहे उनके लिए भी यह समय अनुकूल रहने की संभावना है, क्योंकि इस अवधि में आप इस कार्य में सफल रह सकते हैं। यदि आप किराए से जुड़ा कोई व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं या फिर कोई संपत्ति किराए पर देकर अब धन कमाने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में इस कार्य के लिए अवधि अनुकूल रह सकती है। आशंका है कि इस अवधि में आप व्यर्थ की यात्राओं में धन खर्च कर सकते हैं जिससे आपके बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आपका इस दौरान अपने पिता से या फिर पिता तुल्य घर के किसी सदस्य से विवाद हो सकता है। अप्रैल महीने के बाद आपका भाग्य आपका साथ दे सकता है। ऐसे में यदि आप कोई नया निवेश या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो यह अवधि इस कार्य के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। उपाय के तौर पर बृहस्पतिवार के दिन ब्राह्मणों को पीले वस्त्रों का दान कीजिए। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। साल की शुरुआत में सिंह राशि के जातकों के सप्तम भाव में बृहस्पति स्थित रहेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल रहने की संभावना है जो विवाहित हैं, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन साथी और आपके रिश्ते के बीच प्रेम और समझ में वृद्धि हो सकती है। इस दौरान आपका अपने कुछ रिश्तेदारों से किसी विचार को लेकर विवाद होने की आशंका है। हालांकि आपका जीवन साथी इस दौरान आपके समर्थन में खड़ा नजर आ सकता है और सभी विवादों को सफलतापूर्वक सुलझाने में आपकी मदद कर सकता है। संभावना है कि सिंह राशि के प्रेमी जोड़े इस दौरान विवाह के बंधन में बनने का फैसला कर सकते हैं। सिंह राशि के वो जातक जो साझेदारी में व्यापार करते हैं उन्हें अवधि में कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। अप्रैल महीने के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में संतोषजनक सुधार देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान आप कुछ अज्ञात स्रोतों से भी धन अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। इस अवधि में आपके अंदर अध्यात्म के प्रति एक झुकाव देखने को मिल सकता है और संभावना है कि आप इस दौरान अपने लिए गुरु की तलाश भी करें। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी की वजह से सिंह राशि के जातक इस अवधि में अपने प्रेम जीवन में कुछ समस्याओं का सामना कर सकते हैं। आशंका है कि इस दौरान आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को शक की निगाहों से देखें और उनकी मंशा पर सवाल उठाएं। आपको सलाह दी जाती है कि इस दौरान आप अपने रिश्ते पर भरोसा रखें और समस्याओं को शांतिपूर्वक दूर करने का प्रयत्न करें, अन्यथा आपका रिश्ता टूट भी सकता है। इस अवधि में आपकी संतान का स्वास्थ्य बिगड़ने की आशंका है, साथ ही आपको भी इस दौरान स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सिंह राशि के वो जातक जो अनुसंधान से जुड़ी पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रह सकता है, क्योंकि इस दौरान उन्हें पढ़ाई में ध्यान लगाने में आसानी महसूस हो सकती है जिसकी वजह से वे अपनी परीक्षाओं में बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रह सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन बच्चों को बेसन से बनी मिठाई का दान दें। अब बारी कन्या राशि के जातकों की। साल 2022 की शुरुआत में कन्या राशि के छठे भाव में बृहस्पति मौजूद रहेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए बेहतर रहने की संभावना है जो कानून से जुड़े व्यवसाय में हैं, खासकर जो साझेदारी में यह कार्य कर रहे हैं। संभावना है कि इस दौरान आपको कुछ अच्छे ग्राहक प्राप्त हो सकते हैं और साथ ही बाजार में आपका प्रभाव भी बढ़ सकता है। आशंका है कि इस अवधि में आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा सा खराब रहे, क्योंकि आपका अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो सकता है और जीवन साथी के साथ इस अनबन के कारण आपकी व्यक्तिगत जिंदगी थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो सकती है। साथ ही आप इस दौरान अपने जीवन साथी से कुछ दूरियां भी महसूस कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल महीने में बृहस्पति आपके सातवें भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए सकारात्मक साबित हो सकता है, जैसे कि इस दौरान आप अपने परिवार के साथ कुछ आनंदमय और आरामदायक यात्राओं की योजना बना सकते हैं। जो जातक सिंगल हैं इस अवधि में उनका विवाह होने की प्रबल संभावना है, लेकिन इस दौरान आपको यही सलाह दूंगी कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इस अवधि में आपको मीठा खाने की तीव्र इच्छा हो सकती है और आप मोटापे का शिकार हो सकते हैं। वे विवाहित जातक जिनके संबंध अपने जीवन साथी से अभी तक बिगड़े हुए थे इस अवधि में वे मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि आपके परिवार के सदस्य विशेष रूप से आपकी माँ इस दौरान आप दोनों के बीच संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आपका सहयोग कर सकती हैं। जो जातक अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह समय एकदम अनुकूल रह सकता है, जैसे कि वे बाजार में अपनी प्रतिष्ठा बनाने में सफल हो सकते हैं जिससे उनके व्यवसाय में ज्यादा वृद्धि हो सकती है। वे अपने व्यवसाय में अधिक लाभ कमा सकते हैं जो उनकी आमदनी में भी उछाल ला सकता है। इस
दौरान वे एक से अधिक स्रोतों से भी कमाई कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। अब बारी तुला राशि के जातकों की। इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति तुला राशि के जातकों की कुंडली में पांचवें भाव में गोचर करेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए अधिक अनुकूल नहीं रह सकती जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनका हौसला किसी भी मुश्किल से मुश्किल प्रतियोगिता से सामना करने के लिए बढ़ सकता है। साथ ही तैयारी को लेकर उनके ध्यान में वृद्धि हो सकती है और वे अपनी तैयारी में अधिक केंद्रित हो सकते हैं। आपको यही सलाह दूंगी कि इस दौरान बस अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप लीवर से जुड़ी किसी समस्या का या फिर पेट से जुड़ी किसी समस्या से ग्रसित हो सकते हैं। वे महिला जातक जो इस दौरान परिवार नियोजन की योजना बना रही है, इस अवधि में उनके गर्भ धारण करने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसके बाद बृहस्पति अप्रैल माह के अंत में अपनी स्वराशि के छठे भाव में गोचर करेगा। यह अवधि उन जातकों के लिए अनुकूल साबित होगी जो लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्रशासनिक नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। इस दौरान आप प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या उपयुक्त नौकरी खोजने में सफलता हासिल कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए भी यह समय अनुकूल है, वे इस दौरान अपनी मनचाही नौकरी पाने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जो जातक पहले से ही नौकरी पेशा हैं, वे इस अवधि में अपनी प्रतियोगिताओं के जो है योग्यताओं के कारण किसी प्रकार का प्रोत्साहन पा सकते हैं या फिर उनके वेतन में वृद्धि हो सकती है। अपने उच्च अधिकारियों और वरिष्ठ कर्मचारियों द्वारा किसी कार्य के लिए उनकी सराहना भी आपकी की जा सकती है। साथ ही कार्यक्षेत्र में उनके लिए आगे का माहौल काफी सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण रह सकता है। जो जातक किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहे हैं, उन्हें इस दौरान थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि इस समय में आपकी समस्या गंभीर होने की आशंका है। उपाय के तौर पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत रखें। अब बारी है अगली राशि की, जो है वृश्चिक राशि। तो इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उनके चौथे भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपका निजी जीवन काफी अधिक सक्रिय रहने की संभावना है। इस अवधि में आप पारिवारिक समारोहों में व्यस्त हो सकते हैं या फिर घर के किसी सदस्य के लिए किसी प्रकार के आयोजन में व्यस्त हो सकते हैं। इस समय में अपने संबंध आपकी माँ से अधिक मजबूत होंगे और आप उनका खूब ख्याल रखने और उनको खुश रखने के लिए प्रयासरत रह सकते हैं। यदि आप स्वयं के लिए कोई घर या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए एकदम अनुकूल साबित हो सकता है और आप एक लाभकारी सौदा करने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसके बाद अप्रैल माह में बृहस्पति आपके पांचवें भाव में गोचर करेगा। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से सकारात्मक साबित हो सकता है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से धन कमा सकते हैं या अपने व्यापार का विस्तार करके अधिक लाभ कमा सकते हैं। जो छात्र पढ़ाई के साथ साथ कोई और रुचि भी रखते हैं, वे इस दौरान अपनी रुचि के काम से धन कमाने में सफल हो सकते हैं। इस गोचर के दौरान आपके संबंध अपने बच्चों के साथ अधिक मजबूत हो सकते हैं, क्योंकि वे इस अवधि में ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपको गौरवान्वित कर सकता है। साथ ही आप कुछ मनोरंजक गतिविधियों के लिए कहीं जाने की योजना बना सकते हैं और आप अपने शौक और रुचियों पर अधिक ध्यान दे सकते हैं। छात्रों के लिए समय अत्यंत लाभकारी साबित हो सकता है यदि वे अपनी पढ़ाई को लेकर सच्ची लगन से खुद को समर्पित करें। इस दौरान उनके अंदर अपने विषयों को गहराई से जानने की उत्सुकता जाग सकती है, जो कि उनके ज्ञान में वृद्धि ला सकता है। यदि आप परीक्षाओं की तैयारी करें तो इस अवधि में आप बहुत अच्छे अंकों से स्नातक करने में सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही इस दौरान आप धन संचय करने में भी सफलता हासिल कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर नहाइए। अब बारी धनुराशि के जातकों की। इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति धनुराशि के जातकों के लिए उनके तीसरे भाव से गोचर करेगा। आपके लिए समय चुनौतियों का सामना करके अपने लक्ष्य को पाने के लिए थोड़ा कठिन साबित हो सकता है। आपके संबंध दोस्तों, भाई बहनों और परिचितों से बेहतर रहने की संभावना है। आप अपने आप को उनके बीच सहज महसूस कर सकते हैं। इस दौरान आप अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ किसी छोटी यात्रा की आयोजन का की योजना भी बना सकते हैं। जो लोग लेखक या लेखन क्षेत्र में हैं, उनके लिए समय अनुकूल साबित होगा। उनके लेखन कार्य में अच्छा सुधार हो सकता है और इसके लिए उनकी सराहना भी की जा सकती है। इस दौरान आपका झुकाव खुद को स्वस्थ रखने की ओर बढ़ सकता है और आप इसके लिए योग अभ्यास और स्वास्थ्य से जुड़े व्यायाम भी कर सकते हैं। इसके बाद अप्रैल माह में बृहस्पति आपके चौथे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका झुकाव अपने परिवार की तरफ अधिक रहेगा और आप उन्हें खुश रखने के लिए किसी भी हद तक प्रयास कर सकते हैं। इस अवधि में आप किसी संपत्ति में निवेश कर सकते हैं या फिर घर के विस्तार में खर्च कर सकते हैं। साथ ही अपने घर के लिए और घर के सदस्यों के लिए, विशेष रूप से अपनी माँ के लिए चीजें खरीदने में व्यस्त हो सकते हैं। जो लोग अपने घर से कहीं दूर रहते हैं, वे लोग अपने परिवार से बार बार मिलने का प्रयास कर सकते हैं और हो सकता है कि वे वापस अपने परिवार के साथ रहने आ जाएं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो अवधि में आप अपने व्यापार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं और आपको संबंधित बाजार में नाम और प्रसिद्धि मिल सकती है।
पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। इस दौरान उनके अध्यापकों द्वारा उनके प्रदर्शन की सराहना की जा सकती है, साथ ही वे अपनी परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के दौरान धनु राशि के जातक अपने आराम के लिए एक अच्छा घर या फिर कोई महंगा व आरामदायक वाहन खरीद सकते हैं। उपाय के तौर पर अपने दाहिने हाथ की वत्ता वाला पुखराज धारण करें। अब बारी है मकर राशि के जातकों की। इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति मकर राशि के जातकों के लिए उनके दूसरे भाव यानी धन के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके खर्चों में इतनी वृद्धि हो सकती है कि आप एक भी पैसे की बचत करने में असफल हो सकते हैं। साथ ही इस अवधि में आपके परिवार के किसी सदस्य का खराब स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है और हो सकता है कि इसके लिए आपको बार बार अस्पतालों और क्लिनिक के चक्कर काटना पड़े। जो लोग इस दौरान विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, वे शीघ्रता से अपना आयोजन कर सकते हैं और उन्हें इसमें तेजी से सफलता मिलने की संभावना है। इस समय में आप अपने परिवार के साथ किसी विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। इसके बाद बृहस्पति आपके तीसरे भाव से गोचर करेगा। जो जातक व्यायाम, योगाभ्यास, नृत्य जैसे क्षेत्रों में हैं, उनके लिए अवधि अनुकूल साबित हो सकती है। आप इस समय में अपने आप को फिट रखने के लिए सर्वोत्तम प्रयास कर सकते हैं, जो कि आपके आसपास के ग्राहकों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। इस दौरान आपका अपने भाई बहनों से किसी भी बात पर टकराव या विवाद हो सकता है, जो कि आपके संबंधों से कुछ दूरियां ला सकता है। साथ ही इस अवधि में आप अपने उग्र स्वभाव और अहंकार की वजह से कुछ दोस्तों को भी खो सकते हैं। जो जातक व्यापार मालिक है, उन्हें सफलता हासिल करने और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है। इस दौरान आपका अपने पिता से संबंधों में सुधार हो सकता है और उनसे आपको अपने पेशेवर जीवन में समर्थन भी मिल सकता है। यह समय व्यापार के विस्तार में निवेश करने के लिए काफी प्रबल है। साथ ही इस दौरान आप कुछ दान पुण्य वाले कार्यों में भी शामिल हो सकते हैं। उपाय के तौर पर बिना छुए पीपल के पेड़ को नियमित रूप से जल अर्पित कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बारी कुंभ राशि के जातकों की। इस वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के लग्न राशि में स्थित रहेगा। इस दौरान आपको आर्थिक रूप से अच्छा खासा लाभ होने की संभावना है। आप इस अवधि में अधिक कार्य करने के लिए और अधिक आमदनी के लिए एकदम तैयार रह सकते हैं। साथ ही आप इस समय में अपने आसपास के लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष भी रह सकते हैं। आप इस दौरान थोड़े से अहंकारी या दिखावटी हो सकते हैं, जिससे आपका परिवार थोड़ा आहत हो सकता है। इस अवधि में आप पुराने अटके हुए धन को निकालने में भी सक्षम हो सकते हैं। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजनाओं में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस दौरान आपके संबंध अपने सहयोगियों, भाई बहनों और दोस्तों से बहुत अच्छे रहने की संभावना है। साथ ही आपको अपने प्रियजनों से किसी प्रकार की सहायता और सहयोग भी मिल सकता है। इसके बाद अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में गोचर करेगा। इस दौरान व्यापार मालिक अपने व्यवसाय में अच्छे लाभ के साथ वृद्धि देख सकते हैं। इसके अलावा जो लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए भी यह समय अवधि काफी लाभकारी साबित हो सकती है। उनकी आमदनी में अच्छी वृद्धि हो सकती है। साथ ही इस दौरान आपकी बचत में भी वृद्धि होने की संभावना है। इस अवधि में आपको अपने सभी प्रयासों में परिवार से अच्छा समर्थन मिल सकता है। अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए आप अपने दोस्तों और परिवार से बार बार मिलने की योजना बना सकते हैं। जो लोग इस समय में अपने व्यवसाय में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं, उन्हें इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपको सफलता मिलने की संभावना है। साथ ही आपको अपनी पैतृक संपत्ति से भी लाभ मिलने की संभावना है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन नारायण भगवान की पूजा करें और व्रत रखें। अब बारी है मीन राशि के जातकों की। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष के शुरुआत में उनके 12वें भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मीन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति इस वर्ष के शुरुआत में उनके 12वें भाव से गोचर करेगा। इस दौरान आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि इस गोचर काल में आप बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं और अस्पताल में भर्ती होने की भी आशंका है। इस दौरान आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं और आप कुछ अनुत्पादी चीजों पर भी खर्च कर सकते हैं। यदि आप किसी विदेश यात्रा या विदेशों में प्रवास की योजना बना रहे हैं, तो इस समय आपके लिए अनुकूल साबित हो सकता है। इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाने की योजना भी बना सकते हैं। इसके बाद अप्रैल माह के अंत में बृहस्पति आपके लग्न भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार आ सकता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ सकता है और आप खुद को अधिक मजबूत महसूस कर सकते हैं। आपके चेहरे पर अलग रौनक और शब्दों में गंभीरता नजर आ सकती है। आपके आसपास के लोग मार्गदर्शन और उचित सलाह के लिए आपके पास आ सकते हैं। इस वर्ष के अंत तक आपके वजन में वृद्धि होने की आशंका है, इसीलिए आपको सलाह यही दूंगी कि अपने खान पान को लेकर सजग रहें। इस दौरान आप अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताने के लिए पर्याप्त समय निकाल सकते हैं। आप इस पूरे साल आशावादी रह सकते हैं, जो कि आपको व्यक्तिगत जीवन में या पेशेवर जीवन में किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में सहयोग कर सकता है। इस अवधि में आपके संबंध अपने जीवन साथी से अधिक मजबूत हो सकते हैं और आप परिवार नियोजन में भी शामिल हो सकते हैं। इस अवधि के दौरान महिला जातकों द्वारा गर्भ धारण करने की प्रबल संभावनाएं हैं। जो जातक सिंगल हैं, इस दौरान उन पर
बृहस्पति की कृपा बरस सकती है। यह अवधि छात्रों के लिए भी अनुकूल साबित हो सकती है। उन्हें अपने अध्यापकों से पूरा समर्थन और सहयोग मिल सकता है, जो कि उन्हें परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान आपका जो है आध्यात्मिक विकास भी हो सकता है। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण कीजिए। तो दोस्तों, हमने जाना इस वीडियो में कि कैसा रहेगा ये जो गोचर होगा बृहस्पति का साल 2022 में सभी 12 राशि के जातकों पर क्या प्रभाव डालेगा। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए मददगार रहेगी। अगर अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे साल 2022 से जुड़े वीडियोज हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है और अपलोड की जा रही है। तो देखना चाहते हैं तो आप जो है आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ना सिर्फ साल 2022 की बल्कि ज्योतिष से जुड़ी तमाम जानकारियां हमारे चैनल पर दी जाती हैं। हर शाम 5 बजे मैं आपके लिए लेकर आती हूँ दैनिक राशिफल का वीडियो, उसमें आपको बताती हूँ दिन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है। तो अगर आप चाहते हैं सारी जानकारियां पाना तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। बाकी कोई अगर आपके निजी जीवन की समस्या है, परेशान कर रही है, बार बार बात करना चाहते हैं हमसे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेज वार्ता का लिंक डाल दिया है, वहां क्लिक करके कभी भी बात कर सकते हैं। और अगर कोई जेनरिक सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हर शाम 5 बजे मैं आती हूं आपके लिए जो वीडियो लेकर, उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी देने की कोशिश करूंगी। बाकी प्रभु से यही कामना रहेगी कि आपके जीवन में कोई भी दुख ना आए, कोई कष्ट ना आए, और अगर आती है तो आप बहुत ही मजबूती निडरता के साथ उसका सामना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए एस्ट्रोसेज टीवी। नमस्कार। For regular updates, follow our Instagram page right now.